सारे रिश्ते उलझ गए, उस एक रिश्ते की खातिर सब रिश्ते ना ऐसे ऐसे उलझ गए उनकी खिचड़ी पकड़ के कुछ समझ नहीं आ रहे। तो रिस्पेक्ट भी बात अगर दिलबर भाई कर रहे हो ना, तो यार पहले तो आप जो है ना अपना नाम रख लो अकबर, दिलबर अकबर, तो ये सबसे बड़ा बेहतरीन होगा, ठीक है। किसी को ट्रोल करने से उससे कुछ नहीं होगा। आपने कहा आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आप स्टेप मां समझिए, वही करके रिस्पेक्ट कर लो भाई। आप तो खुद अपनी बहन को ऑनलाइन इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, बेशक मैं हूं, मैं गुस्सा करता हूं, मैं किसी का नहीं सुनता, लेकिन आज तक इतनी गंदी गालियां किसी को नहीं, ठीक है। बाकी ये सारी बातें सारी चीजें आपको भी पता है, आप भी वहां पर थे, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, क्या सिस्टम है। तो वो तो आप किसी से कह रहे थे, मैं बोलूँ भाभी के भाई तुम अगर ऐसी हो तो तुम अपने बाप, वो तो उसका बाप है, वो कैसे नाम ना लगाए उसका, वो तो उसका बाप है और रहेगा, हयात रहेगा, इसको कोई पलट नहीं सकता। अब ये कितना वो हुआ, देखो सारे लोग बता रहे हैं शायद यही नियति का करना है, कि नियति कुछ और करना चाहती है, लेकिन हम अभी नहीं वो नहीं कर पा रहे, वक्त आने पर सब चीजें दिखाई जाएंगी। शायद यही नियति का हो कि हाँ भाई ये चीज होगा, वो चीज ऐसे होगी और सब उसको सपोर्ट करेंगे, गलत हो और यही चीज दिखाई देगी, हम बहुत अच्छे से दिखाएंगे, तो कोई मसला नहीं है। शायद इन फ्यूचर कुछ और हो, वहां पर भी यही हुआ भाभी वाले से, कि मैं वहां पर यही था कि बस उनकी देखभाल करता, बच्चों को छोड़ना उठाना ये वहाँ के खिलाफ था, कि हाँ भाई तुम, अब मैंने यही कहा, मैंने कहा आप गलत हो तो वो सबको काट दो, मुझे अगर पता, मुझे बाद में पता चला कि इतना प्रेशराइज, इतना टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है, इस मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने कहा ना भैया, हम तो इस गेम से आउट है, हमसे ना हो पाए, मैं लाइव बैठा था, थप्पड़ भी खाई, चपड़ी भी खाई, सबके सामने लाते हैं, उसे भी खाई, भाई ये हमारी औकात है, कोई बंदर भी, हाँ भाई यही हमारी औकात है, क्योंकि आपकी औकात आपकी रिस्पेक्ट आपके घर वाले ही बनाते हैं, जब वहां से आपको रिस्पेक्ट ना मिले तो कहीं से नहीं। मेरी छोटी बात वो कह रही है कि अबू का ऑपरेशन चल रहा है, तो इसको ये नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अबू का ऑपरेशन है, उसके लिए वो सोचना चाहिए इसको। तो भाजी यही चीज मैं आपसे भी कहूंगा कि अबू का ऑपरेशन होना है, ठीक है, उनको टेंशन से दूर रखना है। तो फिलहाल उनके सर पर यही टेंशन है कि उनकी वाइफ वो यहाँ पर रुके हुए, तो उनको भी तो सोचना चाहिए, यही आपको थे ना जो वहाँ पर व्हील चेयर पर इनको उम्रा करवा रहे थे, ये चल नहीं पा रही थी, जो भी था आप जो भी समझो, ठीक है, आपके लिए रियल था वो, इनको हाथ पकड़ कर वो लेकर जा रहे हैं, हरम लेकर जा रहे हैं, ज्यारतें करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं, कितने दिन कश्मीर में उसका हाथ पकड़ के उसको साथ साथ में लेकर जा रहे हैं, यही हमारा पूरी था ना, हाथ पकड़ करके हर जगह पर उनका वो क्या कहते हैं सहारा बनकर उनके साथ घूम रहे, लेकिन आज 20 दिन या 5 दिन या कितने भी थे यहाँ पर उनको रहना था ना, वो रह सकती थी, ये नहीं इनका काम हो जाएगा, कुछ भी है शुगर के पेशेंट है, इनका ऑपरेशन है, अभी इनको ज्यादा केयर की जरूरत है।